अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर व्यूज़ और वॉच आवर्स को किस तरह आपने इंक्रीज़ करना है, अपने चैनल की ग्रोथ किस तरह से करनी है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए एक टिप पहली ये है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी और इसके कंटेंट्स जो हैं वो आप बेहतर करें, क्योंकि कंटेंट्स और वीडियो क्वालिटी को बेहतर किए बगैर आप अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं बढ़ा सकते। एक बात तो आप अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी सब्सक्राइबर की वजह से आपकी वीडियो आगे जा सकती है तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग आइडिया है। आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपने वॉच आवर बढ़ाने के लिए आपको अपने व्यूवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे उसके लिए पहली ट्रिक तो ये है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी करें और उसके कंटेंट्स इतने अच्छे करें कि YouTube आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली ही रिकमेंड कर दे, रिकमेंडेशन में डाल दे। क्योंकि जब आप YouTube पे जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पहले फीड्स न्यूज़ फीड्स आते हैं तो उधर आपको YouTube रिकमेंड करता है, आपकी जो वीडियो अच्छी होती है, जो वीडियो अच्छी क्वालिटीज़ की होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रही होती हैं। तो वही वीडियोस आगे आती हैं जिनके कंटेंट्स और थंबनेल्स जो है ना वो अच्छे होते हैं और जिस वीडियो की लुक अच्छी होती है। दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा, दूसरी बात ये है कि आपने इस बात को माइंड से निकाल देना है कि आपने अपना चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आपने पैसे कमाने हैं उससे। वो अलहदा बात है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने अपने चैनल को 3 से 6 मंथ्स के अंदर मोनेटाइज करवा लेना है तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्योंकि आप अपने चैनल को तब तक मोनेटाइज नहीं करवा सकते जब तक आपके चैनल के लिए 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे विद इन 12 मंथ्स। एक साल के पीरियड के दौरान आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है। अगर उससे ज़्यादा डिले होगा तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकते। तो लिहाजा आप अपनी वीडियो क्वालिटीज़ को और अपने कंटेंट को दूसरे नंबर पे, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को आगे लेके जाना है, उसकी ग्रोथ अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है, उसके लिए आपको एक फेसबुक पेज बनाना है उसी चैनल के नाम से, ठीक है। उसकी एक वेबसाइट बनानी है ताकि लोगों के साथ आपके चैनल के इंटरेक्शन और लोगों के साथ आपकी जो पैशन है वो अच्छा रहे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, ठीक है, शेयरिंग करें, आपकी फेसबुक पेज जो है लोगों को इनवाइट करें, ठीक है। उसके ऊपर आप जो भी वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देनी है उसका लिंक उसी फेसबुक पेज या उसके ऊपर लिंक दें ताकि जो भी बंदा आपके फेसबुक पेज पर आए तो वो डायरेक्ट आपकी यूट्यूब चैनल की तरफ चला जाए। अगर वो नया बंदा है, नया है कोई व्यू, तो वो आपको सब्सक्राइब कर देगा। अगर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो वो सब्सक्राइब कर देगा, अदरवाइज उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने यूट्यूब चैनल पर काम करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर रेगुलर काम करें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक वीडियो आज डाल दिया उसके बाद आपका 7 डेज या 5 डेज का गैप आ गया। आपने रेगुलर काम करना है, ऑडियंस के साथ आपने इंगेज करना है, ठीक है, उनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है। अगर कुछ आता है, कमेंट वगैरह आता है आपकी वीडियो में, उसका फ़ौरन रिप्लाई करें, ठीक है, ताकि व्यूज़ जो होते हैं आपके, जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं आपकी वीडियो का वेट करें। और आपके आपने क्या करना है कि आपने अपने चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर बनानी है। प्लेलिस्ट का मकसद ये होता है कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज रखी होती हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी तीसरी वीडियो है यूट्यूब व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले गए, उधर मैंने ये लिख दिया कि आपने चैनल क्रिएट कैसे करना है या उसको व्यूज़ वगैरह कैसे बढ़ाने हैं, या वो सारी ट्रिक्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट है, तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 जो है ना पार्ट्स और बताएंगे जिससे आप अपने चैनल की ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट लाजमी बनाएं ताकि
आपके व्यूअर्स और वॉच आवर्स में ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपने अगर व्यूअर्स अपने बढ़ाने हैं अपने यूट्यूब चैनल के, अपनी वीडियो के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपने जो नई वीडियो बनाई है उसमें आपने एंड स्क्रीन की ऑप्शन को लाजमी अपनी वीडियो के अंदर डालना है, ताकि जैसे ही आपकी वीडियो एंड पे पहुँचे तो आपने उसमें एंड स्क्रीन लाजमी डालनी है। जैसे मैंने ये अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट बनाया, ठीक है, जब जब ये मेरी वीडियो एंड पे पहुँचेगी, लास्ट एंड पे पहुँचेगी, तो एंड पे मेरी पिछले पार्ट टू और पार्ट वन का जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो अगर कोई नया सब्सक्राइबर है तो मेरी पिछली वीडियो इसको भी दे सकता है। इस तरह आपके वॉच आवर भी बढ़ जाएंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और सब्सक्राइबर जो है ना ऑटोमेटिकली आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने नया यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसके ऊपर रेगुलर काम करें, ठीक है, ऑडियंस के साथ इंगेज रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी और उसके कंटेंट्स को अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके ऊपर लाइक करें और उसके में कमेंट भी करें। तो प्लीज़ मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि आपने स्पैम कमेंट्स नहीं करने हैं। जैसे मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पिछलियों में ये देखा है कि लोग कमेंट किए जा रहे हैं, उसके अंदर लिंक्स भी दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना करें, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स मैंने फ़ौरन डिलीट कर देने हैं। अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें रेड बटन को और आपने उसकी घंटी को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है तो आपको नई वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू। तो आज की ये आपकी वीडियो थी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।